बने सनी देओल का सफर शायद आसान तो नहीं रहा होगा, लेकिन इस सफर को उन्होंने आसान जरूर बना लिया। नमस्कार, मैं हूं अजय यादव और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आज मैं आपसे किसी बात करूंगा कि फिल्मी पर्दे पर बेहद ज्यादा गुस्से में नजर आने वाले सनी देओल, अपने 2.5 किलो के हाथ का दम दिखाने वाले सनी देओल रियल लाइफ में क्या ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे नहीं है। सनी देओल रियल लाइफ में अपनी रियल लाइफ से पूरे तरीके से सनी देओल अलग है। जी हाँ, जो किरदार वो फिल्मों में निभाते हैं उन किरदारों से बेहद ज्यादा अलग है सनी देओल। और बड़ी बात ये भी है कि लड़कियों से जहां बात करने में वो घबराते हैं, तो वही काफी ज्यादा शाय नेचर के हैं सनी देओल। इस तरह की तमाम बातें हाल ही में निकलकर सामने आई हैं जब सनी देओल ने एक इंटरव्यू में खुलकर बातचीत की है अपने बारे में। साथ ही उन्होंने बताया है कि आखिरकार किस तरीके से वो रहते हैं और फिल्मी पर्दे से हटकर कैसे रियल लाइफ में वो अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं। और बड़ी बात यह है कि शाय नेचर वाले सनी देओल से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जो कि शायद ही आपने कभी पहले सुनी होंगी। और तो और, ये बातें ऐसी भी हैं जो कि बताती हैं कि सनी देओल जो हैं अपने फिल्मी किरदार से हटकर बेहद ज़्यादा अलग हैं। और साथ ही लगातार सनी देओल जो कि फिल्मों में अपने बेहतरीन अभिनय के लिए जाने जाते हैं, अपने गुस्से वाले अंदाज के लिए जाने जाते हैं, लेकिन रियल लाइफ में वो उसके बिल्कुल विपरीत हैं। आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए रूबरू कराते हैं। जी हाँ, अभिनेता से राजनेता बने सनी देओल की रियल लाइफ से आज हम आपको रूबरू कराएंगे। जी हाँ, एक इंटरव्यू उनका काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जहाँ एक शो में पहुंचे थे सनी देओल और सवालों के जवाब सनी देओल ने बिल्कुल सटीक दिए थे। सनी ने बताया कि वो बचपन में पढ़ाई में कमजोर थे और इसका कारण ये था कि उन्हें स्पोर्ट्स में बेहद ज्यादा दिलचस्पी थी। उन्हें जब भी टाइम मिलता था वो खेलने निकल जाते थे। जी हाँ, जब उनसे पूछा गया कि क्या पढ़ाई ना करने के पीछे की वजह लड़कियां थी, तो सनी ने कहा कि नहीं, मैं बचपन में लड़कियों से बहुत ज्यादा शर्माता था। मैं इंग्लैंड पढ़ाई करने भी इसलिए गया था ताकि मेरी शर्म निकल जाए, हालांकि शर्म ने अभी तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि एक्टिंग करते वक्त हम उसके रंग में रंग जाते हैं, हर कैरेक्टर के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं। स्टेज पर मेरी हालत खराब हो जाती है, लेकिन एक्टिंग करते वक्त मैं पूरे तरीके से सही हो जाता हूँ। सनी से पूछा गया कि वो कौन से एक्टर्स के साथ अब काम करना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि मैं सबके साथ काम करना चाहता हूँ, लेकिन करियर के शुरुआत में कुछ ऐसे एक्टर्स थे जो कि असुरक्षा की भावना में कैमरे के सामने कुछ भी कर जाते थे, इससे फिल्म खराब होती थी। तब मुझे गुस्सा आता था कि हम यहाँ एक्टिंग करने आए हैं या फिर लड़ने के लिए। श्रीदेवी भी ऐसा ही करती थी, लेकिन चालबाज के दौरान मैं उन पर नजर रखता था, वो जो करती थी मैं वैसा ही करता था। इतना ही नहीं, सनी से उनके डबल रोल और रियल लाइफ में गुस्से के बारे में पूछा गया तो पहले सनी हंस पड़े और फिर जोर से हंसते हुए बताया कि वो असल जिंदगी में गुस्से वाले नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें फिल्मों में भी तभी गुस्सा आता है जब उनका किरदार उस परिस्थिति में हो। उन्होंने ये भी कहा कि वो असल जिंदगी में भी ऐसे ही हैं और अपने परिवार को लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हैं। अगर कोई उनकी करीबी लोगों के खिलाफ कुछ बोलता है तो उन्हें बेहद ज्यादा गुस्सा आ जाता है। यानी कि जिस तरीके से सनी देओल को फिल्मों में काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए देखा जाता है, रियल लाइफ में सनी को इतना ज्यादा गुस्सा तो नहीं आता, लेकिन हाँ, उन्होंने बताया कि कैसे अपने परिवार के लिए वो बेहद प्रोटेक्टिव हो जाते हैं और उनको गुस्सा आ जाता है, लेकिन रियल लाइफ में उनको फिल्मों से कम ही गुस्सा आता है। इससे ज्यादा ही मजाक में उन्होंने कहा कि मैं पंजाबी हूँ, उस वजह से भी गुस्सा आता है। सनी ने डर के सेट पर अपने गुस्से का जिक्र करते हुए बताया कि फिल्म में वो कमांडो के रोल में थे, फिट थे तो उन्हें शाहरुख चाकू कैसे मार सकते थे। इस बात पर वो इतना ज्यादा गुस्सा हो गए थे कि उन्होंने अपने हाथ में अपनी जीन्स की जेब फाड़ ली थी। खैर, जब उनसे ये पूछा गया कि इसके बाद आपने शाहरुख से 16 साल तक बात नहीं की, इस पर सनी ने कहा, ऐसा नहीं है, मैं ज्यादा सोशलाइज नहीं होता, पार्टियों में नहीं जाता, मैं किसी से कैसे बात करूंगा। सनी ने ये भी कहा कि उन्हें बचपन से गाड़ी चलाना बेहद ज्यादा पसंद था। बचपन में जब उन्हें गाड़ी चलाने से मना किया जाता है तो वो रात को चुपचाप गाड़ी ले जाते थे
और लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते थे और तो और आज के समय में भी वो अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करके जाना पसंद करते हैं। उन्हें फ्लाइट से ज्यादा ड्राइव करना बेहद ज्यादा पसंद है और सनी देओल की इच्छा भी है कि वो ड्राइविंग के जरिए ही कहीं आया जाएगा। खैर, ये कुछ बातें थी सनी देओल की लाइफ से जुड़ी हुई। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप एक भी अपडेट मिस ना कर सकें।